पर इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एकरा कॉबी का डीपी कलर खुला हुआ है कि भाई लोगों को एग्जॉस्ट का जो कि है साउंड सुना देते हैं। मतलब आवाज देख रहे हो भाई पूरी एकदम रहा है कि भाई नहीं, इसमें एग्जॉस्ट डालने के बाद इसमें पूरा जान आ चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, स्वागत है और एक नई ब्लॉग में। सो आज बेसिकली जो कि है मुस्तकिन भाई का कॉल आया था कि भाई बाइक ले जा, अपना रिव्यू वगैरह जो करना है कर ले, ठीक है, मगर मैं वीडियो देखूंगा, तो यही कह दिया था उन्होंने। तो चलो अब चलते हैं। और मैंने इतना ज़्यादा, मैं आज वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करने वाला, मैंने कल को रिकॉर्ड करके रेडी करके रखा था, तो बस आज इंट्रोडक्शन नहीं किया था मैंने, बहुत जल्दी मैं निकल गया था। तो चलो आज का ब्लॉग पूरा देखो, और अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और 100 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दो यार, क्या कर रहे हो, जाओ देखो वीडियो। सो ओके गाइस, अब देखो बाइक यहाँ पर है, और इसका मैंने क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पर, क्या क्या है यहाँ पर, इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है एकरा कॉबिक का, और यहाँ पर मैंने इसका डीपी कलर खुला हुआ है कि भाई आप लोगों को अच्छा सा आवाज़ आ जाए, जो कि एग्जॉस्ट नोट एक बार सुना देता हूँ आप लोगों को, एक मिनट, वन मिनट से भाई, तो फुल पावर न्यूट्रल करना पड़ेगा भाई, हो गया न्यूट्रल। चलो अब आप लोगों को एग्जॉस्ट का जो कि है साउंड सुना देते हैं। वो भाई देख सकते हो, वो भाई देख रहे हो, मतलब आवाज देख रहे हो भाई पूरी एकदम मॉन्स्टर है भाई, सामने से भी मॉन्स्टर लगती है और पीछे से भी भाई मॉन्स्टर साउंड देता है ये पूरा। अब देखो जिन लोगों को मॉडिफाई करना है भाई, एकरा कॉबिक का फुल सिस्टम लगा लो, इसमें फुल सिस्टम लगा हुआ है। तो चलो आगे जाके बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है, निकलते हैं अभी थोड़ा सा राइड करके आते हैं बाइक को। सो ओके गाइस, अभी इसमें पेट्रोल वगैरह फिल करवाते हैं, ठीक है। वेल इसमें अभी डीपी कलर खुला हुआ है, पेट्रोल पंप। सो ओके गाइस, अभी इसमें पेट्रोल वगैरह हमने फिल कर दिया है, अभी चलो एक खाली सी जगह में चलते हैं, और वहाँ पर बाइक का आपको पूरा का पूरा डिटेल्स बाय डिटेल्स आपको रिव्यू देता हूँ। तो वहाँ पर फेवरेट प्लेस आप लोगों को पता होगा, तो दत्तपुर में चलते हैं, और वहाँ पर रुक के अच्छे से हमें इसका आपको एक्सप्लेनर करता हूँ कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। थैंक्स फॉर मुस्तकिन भाई, उसने सोचकर ही हमें बाइक को दिया है, तो हमें इसे सेफली अब राइड करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सीन रहता है, देखते हैं कि बाइक में क्या क्या लगा हुआ है। सो लेट्स सी, आंटियों का रिएक्शन देखो भाई, नहीं भाई नेक्स्ट लेवल। चलो एक जगह में रुकते हैं, उसके बाद इस बाइक के रिव्यू वगैरह देंगे हम लोग, और भाई एग्जॉस्ट का साउंड सुन सकते हो भाई, नेक्स्ट लेवल। तो चलो देखते हैं क्या सीन रहता है। ओ भाई, जो भी कह लो बाइक में मजा है एग्जॉस्ट का। ओ भाई नहीं भाई नहीं, मैं नहीं मानता भाई। ओ हो भाई 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 भाई, ओ भाई नहीं यार, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ यार, एग्जॉस्ट इतना खतरनाक लगा हुआ है भाई, बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे ऐसे खींचने में भी। ओ भाई पब्लिक रिएक्शन भाई नेक्स्ट लेवल है भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बाइक में चलाने में, मगर सही है, अब सही हो जाएगा धीरे धीरे भाई। लगता है जैसे एग्जॉस्ट लगाने के बाद, मैंने ऐसा बाइक चलाया है पहले भी, ठीक है, मगर अब मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, इसमें एग्जॉस्ट डालने के बाद इसमें पूरा जान आ चुका है कि ये बाइक बहुत ज़्यादा भाग रही है अभी। तो यहाँ पर खींच के दिखाते हैं आपको। ओके गाइस, पता नहीं किसके कारण में जो इसका रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, अभी इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, और भाई आई डोंट नो रिकॉर्डिंग में क्या क्या आया होगा। मैं से ज़्यादा लीन नहीं कर सकता भाई, नेकेड बाइक को ज़्यादा लीन नहीं करना चाहिए। भाई ओ हो भाई, पीछे
देखते हैं कोई नहीं है आई थिंक। चलो यहाँ पर वीडियो का पूरा बाइक का पूरा रिव्यू दे देते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सकते हैं भाई इसका लुक देखो भाई, नीचे से लुक देखो, पूरा मॉन्स्टर लगता है बाइक। और यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रैपिंग किया गया है, और रैपिंग के ऊपर ज़्यादातर डिटेलिंग देख सकते हो, ख़तरनाक डिटेलिंग किया गया है। और इसमें देख सकते हो, ये देखो इसमें ऑरेंज का भी कलर ऐड किया गया है। और देख सकते हो यहाँ पर जो स्मोकर्स होते हैं ना, उसमें भी भाई रैप किया गया है भाई, ख़तरनाक सीन है। देख सकते हैं यहाँ पर यामा का लोगो, यहाँ पर कुछ डिटेलिंग, और असली बात जो होती है हमारा एग्जॉस्ट। सो ओके गाइस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर देख सकते हो पूरा डिटेलिंग बताता हूँ क्या क्या इसमें सीन है। सो इसमें रैप किया गया है गोल्डन का, और फिनिशिंग दिया गया है अपना ऑरेंज का। सो देख सकते हो क्या खतरनाक फिनिशिंग, और यहाँ पर एफजेड का लोगो। जो लोग मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो अच्छे से वीडियो को देख लो। और इसमें सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर वाली लुक आती है, यहाँ से देख सकते हो भाई क्या मॉन्स्टर वाला लुक आ रहा है भाई। और इसके बाद इसका आता है असली चीज़, वो है इसका जान जो है इसका एग्जॉस्ट भाई। यह है एग्रा कोबिक का, जो कि है एग्जॉस्ट है फर्स्ट कॉपी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, और रिम पे करवा सकते हो। और इसका साउंड है बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला साउंड, एक बार आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट्स सुनवा देते हैं। सो सुन लो, एक मिनट न्यूट्रल कर लेते हैं बाइक को, एग्जॉस्ट नोट्स सुन लो भाई। भाई ये कतई खतरनाक, क्या क्या इसमें लगा हुआ है वो मैंने सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को डिपेंड कर दिया है कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। गाइस इसमें गोल्डन का रैप लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर फिनिशिंग है तो ऑरेंज कलर का, प्लस आपको इसमें इसका जान देखने के लिए मिल जाएगा, वो है एग्रा कोबिक का एग्जॉस्ट। यार मेरा रिएक्शन कुछ अलग लेवल का है भाई। सामने देखो भाई, सामने देखो, ओह भाई क्या बात है भाई, कोई हार्म नहीं होता है इंजन में, ये भाई इंजन में हार्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओहो भाई सच कहूँ तो आज मैंने बाइक को फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाया है, ज़्यादा जान खोल के नहीं चलाया इसे। अगर मैं जान खोल के चलाऊँगा तो भाई और भाई भाई बाइक को एकदम नंबर बना के रख दिया है। तो गाइस आई होप वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे जल्दी जाना है मुस्तकिन भाई के पास, क्योंकि वो मेरा बाइक लेके फंस गया है अभी। चलो लेट्स सी क्या सीन रहता है, चलते हैं देखते हैं।